हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज का अब जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, क्लासिफिकेशन इज अ टास्क ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स इनटू सब कैटेगरीज बिटवीन अ पोटैटो एंड टमाटो, बिटवीन एन ए ग्रेड और एन एफ। नाउ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। नाउ क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन विच वी पुट लेबल डेटा फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग टू विच ऑफ अ सेट ऑफ कैटेगरीज सब पॉपुलेशन माइट बी, वी कैन से अ न्यू ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन एंड हूज कैटेगरीज मेंबरशिप इज नोन। ओके, सो आई हैव डिस्कस मैनी टाइम अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हैज वी अंडरस्टूड। नाउ आई थिंक यू हैव सम आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन इज। सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डेटा और ऑब्जेक्ट इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस और कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। इन मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक वेयर एन एल्गोरिदम इज ट्रेंड on a label data set to predict the class or category of new unseen data. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का इज टू बिल्ड अ मॉडल दैट कैन एक्यूरेटली असाइन अ लेबल और कैटेगरी टू अ न्यू ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन इट्स फीचर। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लासिफिकेशन मॉडल माइट बी ट्रेन्ड ऑन अ सब डेटा सेट ऑफ इमेजेस लेबल्ड एज आइदर डॉग्स और कैट्स एंड देन यूज टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ न्यू अनसीन इमेजेस ऑफ डॉग्स और कैट्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स सच एज कलर, टेक्सचर और शेप। समथिंग एल्स वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस कि भाई किसी का मुंह कैसा है कैसा नहीं है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स विच आई अगेन टॉक्ड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। दिस इज बाइनरी एंड मल्टी क्लास। मल्टी क्लास एंड बाइनरी के दोनों एक के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। सो अगेन मैं बता देता हूं, इन बाइनरी क्लासेस द गोल इज टू क्लासिफाई द इनपुट इनटू वन ऑफ टू क्लासेस एंड कैटेगरीज। एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन हेल्थ कंडीशंस ऑफ अ पर्सन वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन हैज अ सर्टेन डिजीज और नॉट। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन द गोल इज टू क्लासिफाई द इनपुट इनटू वन और सेवरल क्लासेस ऑफ क्लासेस और कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अबाउट अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स वी हैव टू डिटरमाइन विच स्पीसीज आवर ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोगरा, चमेली और पुष्पगंधा सो और लोटस, सो वेयर दिस पर्टिकुलर फ्लावर बिलोंग्स टू, इन विच क्लास इट बिलोंग्स टू। ओके, सो ये हम डिफाइन करते हैं इसकी मदद से। सो द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफायर्स। सम ऑफ देम आर लीनियर क्लासिफायर्स। सो दीज आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। हेयर आई एम यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड, योर माइंड। सो द टाइप ऑफ क्लासिफायर्स आर लीनियर क्लासिफायर, नॉन लीनियर क्लासिफायर। सो लीनियर क्लासिफायर मॉडल, लीनियर मॉडल क्रिएट्स अ लीनियर डिसीजन बाउंड्री बिटवीन क्लासेस। लीनियर डिसीजन बाउंड्री मीन्स लाइक देर इज लीनियर लाइन, अबाउ द लाइन इट इज यस एंड बिलो द लाइन इट विल बी नो। लाइक दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। देर आर सिंपल एंड कंप्यूटेशनली एफिशियंट। Some of linear classification models are as follows, like logistic regression, support vector machine having kernel that is also called linear, and single layer preceptor. So, and again, but the most important, stochastic gradient descent classifier. So these are four classifier we have. Classification model we have, linear classification model, this is logistic, SVM, and single layer preceptor, preceptron. Actually, this is not preceptor, this is preceptron. Okay, so we have perceptron, and last but not least, stochastic gradient descent classifier. So non-linear classifier, it has
non-linear models creates a non-linear decision boundary between classes. They can capture more complex relationships between the input features and the target variables. Some of the non-linear classification models are as follows, like k-nearest neighbor ho gaya, kernel SPM, SVM ho gaya, naive bias ho gaya. Okay, then decision tree classification ho gaya. Enables learning classifiers के अंदर random forest, ada boost, begging classifier, voting classifier, extra trick classifier, but last but not least, multi-level artificial neural network. So ये भी non-linear classifier के अंदर में आता है. So classifier के अंदर में दो type, अगेन मैं कह रहा हूँ classifier के अंदर classification के अंदर में दो type की algorithm है. Types of algorithm दो तरीके की है, एक तो classifier algorithm, दूसरी है non-linear classifier. देखो लीनियर क्लासिफायर, नॉन लीनियर लीनियर क्लासिफायर. लीनियर के अंदर में आगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. और नॉन लीनियर क्लासिफायर के अंदर में आगे के नियरेस्ट नेबर, कर्नल एसवीएम, नाइव बेस और डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन हो गया. और फिर बाद में रैंडम फॉरेस्ट, अडा बूस्ट, बैगिंग क्लासिफायर, वोटिंग क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर और मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. Okay, so I hope you understand these things. देखिए यार नोट्स बनाते जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर. सो अगला जो है वो है हमारा टाइप ऑफ लर्नर्स इन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. क्लासिफिकेशन को मैं इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एल्गो. ठीक है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. सो हम लर्नर की बात कर रहे हैं, लर्नर लर्नर. ओके, सो टाइप ऑफ लर्नर्स, कौन कौन से लर्नर्स हैं अपने पास में. एक तो है, देखो दो तरीके के लर्नर होते हैं. आज मेरी क्लास में मान लो कि एक तो लर्नर है लेजी लर्नर. सबसे पहला तो होता है एक तो लेजी आदमी. क्लास के अंदर होते हैं ना दो तरीके के आदमी होते हैं, एक तो होता है लेजी और दूसरा कौन सा होता है, ईगर होता है, कि जो सीखने को बिल्कुल आतुर होता है कि यार मेरे को कुछ भी सिखा दो मजे से सीखूंगा. तो लेजी लर्नर कौन सा हो गया, लेजी लर्नर आर ऑल्सो नॉन एज इंस्टेंट बेस्ड लर्नर. ये है इंस्टेंस बेस्ड लर्नर के ऊपर. ठीक है, जो कि इंस्टेंस के आधार पे लर्निंग करेगा. लेजी लर्नर्स डू नॉट लर्न अ मॉडल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज. वो ट्रेनिंग फेज के दौरान नहीं सीखते हैं, इंस्टेड दे सिंपली स्टोर द ट्रेनिंग डेटा. वो ट्रेनिंग डेटा को सिंपली स्टोर कर लेते हैं एंड यूज इट टू क्लासीफाई न्यू इंस्टेंसेस एट प्रिडिक्शन टाइम. और उनको यूज करते हैं कब, जब हम प्रिडिक्शन टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं. सो यूज इट टू क्लासीफाई न्यू इंस्टांसेस. न्यू इंस्टांसेस को क्लासीफाई करने के टाइम पे वो इसको यूज करते हैं. इट इज वेरी फास्ट एट प्रिडिक्शन टाइम बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कंप्यूटेशन ड्यूरिंग द प्रिडिक्शन. सो ये प्रिडिक्शन टाइम के ऊपर बहुत ही फास्ट काम करते हैं क्योंकि ये उसको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट इज लेस इफेक्ट, सॉरी 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 गाइज, एक चीज, इट डज नॉट एफिशियंट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कंपिटिशन. सो इसीलिए वो बहुत ही फास्ट होता है. तो इट डज नॉट रिक्वायर कंपिटिशन ड्यूरिंग द प्रिडिक्शन, दैट्स वाई इट इज वेरी फास्ट. इट इज लेस एफिशिएंट इन हाई डाइमेंशनल स्पेस. अगर डाइमेंशनल स्पेस अगर बहुत बड़ी है तो उस टाइम पे थोड़ा सा एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट हो जाता है. और व्हेन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टांसेस इज लार्ज तब भी ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है. ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ लेजी लर्नर इंक्लूडेड के नियरेस्ट नेबर्स हो गया और केस बेस्ड रीजनिंग होगी. केस बेस्ड रीजनिंग भी इसी का पार्ट है और के नियरेस्ट नेबर्स भी इसी का ही पार्ट है. ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. लेजी लर्नर कई लोगों के लिए तो बहुत नया नई चीज है. फिर दूसरा लर्नर हो गया, देखो लेजी आदमी क्या करता है ना कि चीजों को लिख लेता है और जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, तब वो चीजों को काम करना स्टार्ट करता है. तो ठीक है, वहीं ईगर लर्नर क्या होता है, ईगर लर्नर आर ऑल्सो नॉन एज मॉडल बेस्ड लर्निंग. ये कौन से हैं, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग बेस्ड लर्नर्स लर्नर. और ये कौन सा है, मॉडल बेस्ड लर्नर्स. सो ईगर जो लर्नर्स हैं वो लर्न करते हैं एक मॉडल को फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज. वो ट्रेनिंग फेज के दौरान ही उसको सीख लेते हैं एंड यूज दिस मॉडल टू क्लासिफाई न्यू इंस्टांसेस एट प्रिडिक्शन टाइम. लेकिन लेजी लर्नर ऐसा नहीं करता, वो क्लास में तो सोता रहता है कराटे मार के,
कराटे मार रहा है जोर जोर से क्लास के अंदर, ठीक है। और वो कब सीखता है, जब एग्जाम आ जाता है, तो एग्जाम से एक रात पहले लेजी लर्नर लगा के पढ़ता है। इंस्टेंस बेस्ड लर्नर है वो एक तरीके से। लेकिन ईगर लर्नर क्या करता है भाई, जब उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तभी वो सीख लेता है, ठीक है। और प्रेडिक्शन टाइम पे वो उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही इफेक्टिव है जब हाई डायमेंशनल स्पेसिस की बात की जाए, जब लार्ज ट्रेनिंग डेटा सेट हमारे पास में, तब ये बहुत ही एफिशियंट है, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो ईगल लर्नर हो गए, ईगल लर्नर के जो एग्जाम्पल हो गए वो डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गए, और सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया। सो ये तीन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन जो मॉडल मॉडल वो इवेल्युएशन है, क्लासिफिकेशन मॉडल इवेल्युएशन के अंदर मैं कुछ कुछ आपको ये बता देता हूँ। जो मैंने क्लासिफिकेशन मॉडल इवेल्युएशन ऊपर ही बताया था, उसके अलग अलग पार्ट्स जिसको आपको एक ट्रिक से याद करना बताया था। एक सेकेंड, मैं टॉपिक लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन मॉडल इवेल्युएशंस कर देता हूँ, इवेल्युएशंस। सो इट कैन बी डन। इवेल्युएटिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मशीन लर्निंग, एज इट इज हेल्प्स टू असेस द परफॉर्मेंस एंड जनरलाइजेशन एबिलिटी ऑफ द मॉडल ऑन न्यू अनसीन डेटा। देर आर सेवरल मैट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू इवेल्युएट अ क्लासिफिकेशन मॉडल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स। हियर आर सम कॉमनली यूज इवेल्युएशन मैट्रिक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, द प्रपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेज ओवर द टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस इन द टेस्ट सेट। इट इज सिंपल एंड इंट्यूटिव मैट्रिक्स बट कैन बी मिसलीडिंग इन इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स वेयर द मेजोरिटी क्लास डोमिनेट्स द एक्यूरेसी स्कोर। सो मैं लिख देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, जो क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी कितनी है भाई साहब, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। सबसे पहला पॉइंट तो हम यही देखते हैं ना कि यार भाई उसकी एक्यूरेसी क्या है। ये किसको किसके प्रपोर्शन है कि कितना करेक्ट हमने किया है भाई, कितना कितने नंबर ऑफ टाइम टेस्ट के अंदर हमने सही आउटपुट दिया है, कितनी बार हमने करेक्ट आंसर दिया है। तो सिंपल एक इंट्यूटिव मैट्रिक्स है यार, ये कोई मिसलीड नहीं कर रहा है, किसी तरीके से मिस बैलेंस नहीं है यार। एक सिंपल है कि यार आपने आपका जो लॉजिक है उस लॉजिक के ऊपर आपने इनपुट लगाया और क्या आउटपुट आया और वो क्या सही है गलत है, तो उसके आधार पे क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं हम। फिर दूसरा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स फॉर ईच क्लास, वेयर इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट वेरियस इवेल्युएशन मैट्रिक्स। तो भाई साहब एक टेबल है जो कि ये बता रही है कि ट्रू पॉजिटिव तो कितने थे, ट्रू नेगेटिव कितने थे, फॉल्स पॉजिटिव कितने थे और फॉल्स नेगेटिव कितने थे हर एक क्लास के लिए, और इसको हम फर्दर यूज करेंगे किसके लिए, वेरियस इवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिसेस के लिए। सो इसके लिए हम किसको बनाते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को बनाते हैं, जो कि हमें इन सब चीजों के बारे में एक डेप्थ मतलब बताते हैं कि भाई साहब कितने तो सही थे जिनको इन्होंने गलत बोला और कितने गलत थे जिसको इसने सही बोला, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर है प्रिसीजन एंड रिकॉल, अगला जो है वो है प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है। अगला ये है, सो प्रिसीजन मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन पॉजिटिव्स। भाई साहब टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स के अंदर असली ट्रू पॉजिटिव कितने थे, वाइल रिकॉल मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स ओवर द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स। ओवर द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स के अंदर से अगर आप ट्रू पॉजिटिव्स निकालोगे तो उसको हम रिकॉल बोलते हैं, और प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स में से अगर आप ट्रू पॉजिटिव्स निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं, इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रू पॉजिटिव बता रहे हैं किसके अंदर से, प्रिडिक्टिव 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 पॉजिटिव्स के अंदर से, और यहां पर एक्चुअल पॉजिटिव, एक्चुअल, ठीक है। सो एक्चुअल पॉजिटिव हो गया और ये प्रिडिक्टिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
सो आई होप आपको इस समझ में आ रहा है भाई. दीज मैट्रिसेस आर यूजफुल इन सिनेरियोस वेयर वन क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर और वेन देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. जहां पर ट्रेड ऑफ हो रहा हो यार, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बिटवीन एक ट्रेड ऑफ चल रहा हो, ठीक है, तो उस जगह पर ये मैट्रिसेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब एक क्लास दूसरे क्लास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोविड केसेस, कोविड में ये बताना बहुत जरूरी था कि यार कितने तो पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं. अब यार देखो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे लेकिन वो असल में पॉजिटिव नहीं है, वो फॉल्स पॉजिटिव बता रहे हैं. और फिर बाद में इधर आ रहे थे नेगेटिव केसेस आ रहे थे तो असल में नेगेटिव थे नहीं, उनको भी कोरोना था. तो इसी तरीके से जहां पर हमारे लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उन जगहों पर ये जो दोनों ही मैट्रिसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, दोनों में ही प्रिसीजन हो या रिकॉल के अंदर, दोनों के अंदर हम ट्रू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. प्रिसीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव है और रिकॉल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव है. टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव पॉजिटिव यहाँ पर है. एक्चुअल और प्रिडिक्टिव, ठीक है, दोनों अलग अलग समझ लो, दोनों में डिफरेंस है. पी के साथ में पी, आर के साथ में ए, PPRA, ठीक है, प्रिसीजन प्रेडिक्टिव रिकॉल एक्चुअल. ओके, फिर है अपना F1 स्कोर. F1 स्कोर क्या है यार? काफी लोग हैं यार, मेरे बहन भाई सब कहते हैं कि यार F1 स्कोर नहीं समझ में आता, ये क्या है? सो द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, जो हार्मोनिक मीन है प्रिसीजन एंड रिकॉल का कैलकुलेटेड है. उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन जो आया अपना एंड जो एक्चुअल आया, सॉरी एक्चुअल लिख दिया, रिकॉल, रिकॉल जो आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने इसको डिवाइड किया किससे, प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया. तो इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन, इसको अपन कहते हैं हार्मोनिक मीन. सो इट इज यूजफुल मैट्रिक्स फॉर इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स वेयर बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूजफुल मैट्रिक्स है किसके लिए, इम्बैलेंस्ड डेटा सेट के लिए, जो इम्बैलेंस्ड बैलेंस्ड जो डेटा सेट्स है उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप प्रिसीजन की बात कर लो या रिकॉल की बात कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है यार. फिर आपका आ गया ROC कर्व एंड AUC, ROC कर्व एंड AUC. ओके, सो ROC का मतलब क्या हो गया, रिसीवर ऑपरेटिंग, रिसीवर ऑपरेटिंग रेट, ये तो ROC हो गया, ठीक है, ROC. और AUC क्या हो गया भाई, एरिया अंडर द कर्व. हम कहते हैं ना ROC वैल्यू फिट करते हैं जब हम जो डीप लर्निंग होती है ना इमेज वो करने की, इमेज रिकॉग्नाइजेशन करने की, तो वहां पर हम ROC फिक्स करते हैं कि रिसीव ऑपरेटिंग रेट को फिक्स करते हैं. फिर एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, ओके, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. फिर अगला, अच्छा सॉरी, सो इसके अंदर क्या है ना कि ये ROC एक कर्व है, इट इज अ प्लॉट ऑफ ट्रू पॉजिटिव रेट. सो ट्रू पॉजिटिव रेट की जब बात आई, ट्रू पॉजिटिव रेट, सो इसको हम रिकॉल बोलते हैं, रिकॉल, ठीक है, अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव जो रेट है, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक वन स्पेसिसिटी बोलते हैं, फर्स्ट स्पेसिसिटी, स्पेसिफिक सिटी,
स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, कि मतलब हमने बोला था कि वो गलत है लेकिन वो सही था, ठीक है, तो उसके अंदर में हम ये इसको करते हैं। तो फॉर डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑफ क्लासिफायर्स डिसीजन फंक्शंस, सो दिस इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज। थ्रेशोल्ड मे बी यू नो अबाउट थ्रेशोल्ड, यू मे बी हार्ड अबाउट थ्रेशोल्ड इन थ्रेशोल्ड वैल्यू, वहां पर जो कैपेसिटर होता है ना उसके अंदर होती है बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वहां पर आपने सुना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं क्लासीफायर्स की, जो डिसीजन फंक्शंस है ना क्लासीफायर्स के, उनके लिए। और जो दूसरा है अपना एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर द कर्व है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी क्लासीफायर की, विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0.5, दिस इज रैंडम गेसिंग, एंड अप टू 1, जिसको हम परफेक्ट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सो AOC को मैं बोल देता हूँ, ये क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओके, दिस इज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफायर। और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 0.5 to 1। 0.5 किसके लिए है, रैंडम गैसिंग के लिए है, ये रैंडम गैसिंग के लिए है, और ये 1 किसके लिए है, परफेक्ट क्लासिफायर, जो परफेक्ट क्लासिफायर है उसके लिए। अगर 1 आ रहा है तो AOC, अगर 1 है तो ये कहेगा कि भाई साहब परफेक्ट क्लासिफायर है, और 0.5 है तो कहेगा कि रैंडम गैसिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी रैंडम लेके बता रहा है। सो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया हमारा, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। फिर आपका अगला जो है आपका वो है सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ है सिक्स्थ है, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है चीजों से, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है यार, सो अ टेक्निक दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू मल्टीपल फोल्ड्स, वो टेक्निक जो डेटा को मल्टीपल फोल्ड्स में डिवाइड कर रही है, एक डेटा को मल्टीपल फोल्ड्स में तोड़ रही है, एंड ट्रेन्स द मॉडल ऑन ईच फोल्ड, और हर एक फोल्ड के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर रही है। इस ये मान लो कि F1 फोल्ड है, ये F2 फोल्ड है, ये F3 फोल्ड है, और इन अलग अलग फोल्ड्स के ऊपर इसको ये ट्रेन कर रही है, मॉडल को ट्रेन कर रही है, ठीक है, अलग अलग इसके ऊपर फोल्ड के ऊपर किसके लिए, वाइल टेस्टिंग ऑन दी अदर्स टू ऑब्टेन अ मोर रोबस्ट एस्टिमेट ऑफ मॉडल्स परफॉर्मेंस, ओके। सो दिस इज अबाउट क्रॉस वैलिडेशन। सो हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं यार, करते हैं ना कई कई बार की क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ में क्रॉस वैलिडेशन भी करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ में हम चेक कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, जिससे कि हमारा मोर रोबस्ट जो एस्टिमेशन है वो आ सके, जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वहां से आ सके। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चूज द अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स, एंड टू अवॉइड ओवर फिटिंग्स बाई इवेल्युएटिंग द मॉडल ऑन इंडिपेंडेंट टेस्ट डेटा, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया, अगले मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, सो हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क, और उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें के बारे में बताऊंगा कि उसके अप्लीकेशंस क्या हैं, और एक दो चीजें और मैं भी उसके अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।